फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हिली मजा से आ रही। और अब मैं बना रही हूँ, सुबह की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट से। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जैसे प्लानिंग थी रोटी सब्जी बनाने की, पर श्री उठ गई है और श्री मेरे को बनाने नहीं दे रही है, इसलिए मैं बना रही हूँ अभी जी सेमी वाइट जमे होते हैं जो, वो बना रही हूँ यशु के लिए, स्कूल के लिए। आज फ्राइडे है, हाँ फ्राइडे है, तो वैसे जो हफ्ते में एक बार ऐसी चीज़ें दे दूँगी यशु को, डेली डेली रोटी सब्जी भी नहीं खा पाई जो, खा लेती है वैसे तो, पर ठीक है कभी 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 चलता है। और देखो वहाँ पे रिंकी सोई है, ये रिंकी है और ये श्री है, ये आपको ऑरेंज कलर के पैर दिख रहे हैं ना, ये श्री है। इन दोनों को मैंने, रिंकी कल रात को क्या होती बारिश हुई और रिंकी बाहर ही रह गई, और सुबह जब मैंने गेट खोला तो इतना रो रही थी वो, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों उसने वो गेट भी नहीं खटखटाया, नहीं तो गेट खटखटा देती तो पता चल जाता है कि रिंकी बाहर है। और कल बहुत भयंकर बारिश हुई थी, रिंकी बाहर थी, उसको बिछाने के लिए भी कुछ था नहीं बाहर, तो ऐसे लेटी हुई थी और रो रही थी। अभी मैंने देखा जब मैं गई बाहर तो मैं उसे अंदर ले आई हूँ, अभी वो लेट रखी है आराम से। देखो कुछ कर रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ यशु क्या कर रही हो, नर्सरी क्या कर रही हो। ये हमारी रिंकी, श्री 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 श्री, इसको मैंने ऐसे सुलाया था ऐसे, तो ऐसे होगी, इसके साथ यही प्रॉब्लम है। रिंकी हमारी सो रही है। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, वो देखो फ्रेंड्स, यशु जा रही है वापस जा रही है फूल लेने, उसका फूल गिर गया वहाँ पे। बोले मैं अपनी मैम के लिए फूल ले जाऊँगी आज। हैं, क्या ले जा रहे हो अपनी मैम के लिए? वाह यार यशु, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छी हैं आपकी मैम, न्यू मैम, नाम क्या है आपकी मैम का? वैशाली मैम। वैशाली मैम, हाँ अच्छी है ना? वेरी गुड यार, वैशाली मैम हमारी अच्छी है। अच्छी हैं। सो फ्रेंड्स, श्री अभी थोड़ा सो रही है, तो मैंने सोचा मैं यशु को तब तक स्कूल फटाफट छोड़ के आ जाती हूँ, नहीं तो श्री को भी साथ में ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि तो श्री क्या कर रही है ना, पूरे जो आसपास उसके कम्बल वगैरह जो भी है कपड़ा, वो सारा अपने मुंह पे लपेट दे रही है। तो अभी थोड़ा हाथ चलने लगे हैं उसके, तो अभी डर ज़्यादा है, और कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिससे कि आज थोड़ा ठंडा सा हो गया है मौसम। देखते हैं क्या चलता है काम। लो यहाँ पे बैठो, कोई बात नहीं, अर्पित को दे देना, आज वो करेंगे, अर्थ डे बनाएंगे, वो वाला आपका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, श्री मुझसे कैसे बातें कर रही है, देखो बहुत दूध निकालती है, बहुत ज़्यादा। श्री बैंक चलोगे मेरे साथ? है मार्केट चलोगे? है मार्केट चलोगे? है ये देखो देखो, फिर निकाल देते हैं, देखो देखो जुड़ो ना, देखो श्री की ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, हंसो ई गंग 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 ना 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 ना। श्री हेलो गाइस, बैक टू आवर चैनल हिंदी मूवी डाली। और पता है मैंने खाना खा लिया, मैं अभी ग्राफ कर रही हूँ, पता है आज बेबी एंग्री बर्ड दे दी थी अभी सुबह सुबह। सुबह कहाँ हो रही है, दिन हो रहा है तो दोपहर हो रही है। एक्चुअली गाइस, अभी मैं गई थी बर्तन धोने के लिए, तो श्री को देखो नूनू को पकड़ा हुआ उसने खींच रही है। अरे क्यों गुरुज, नो उसे नहीं देना बिल्कुल भी, जो 6 मंथ की हो जाएगी तब देना। 6 मंथ मारूंगी, बेबी कैसे प्यार नहीं करती बेटे। तो यशु गई थी स्कूल में, और स्कूल में अभी यशु को आज क्या मनाया गया, अर्थ डे। क्या क्या किया आपने अर्थ डे में बताओ, तुम्हें क्या क्या किया? आज यशु था, यशु लोग ले गए थे प्लांट्स में पानी डालने के लिए, ये तो दिख रहा होगा ऊपर अलमारी के ऊपर रखा हुआ एलिफेंट, तो पानी डालने वाला पॉट जो होता है पानी डालने वाला वो। और क्या क्या किया फिर स्कूल में आज? मैम आई थी आज आपकी? हाँ? आपने मैम को फ्लावर दिया? हाँ दिया, सुबह सुबह फ्लावर लेके जा रही थी, फिर मैम ने क्या बोला? मैम ने कुछ नहीं बोला, ले दिया।
फ्लावर डराने के लिए रखा था मैम को, आप तो कह रहे थे मैं गुड मॉर्निंग विश करूंगी मैम को, करूंगी हो गई है श्री से गुस्सा और श्री का कम्बल लेके चलेगी। तो फ्रेंड्स योशो हो गई है मम्मी से गुस्सा, मेरे से गुस्सा हो गई है। अभी योशो ने बोला मम्मी मेरे को रेडी करो और मैं ना नथुनी पहनूंगी, बोला मेरी फ़ोटो खींचो। तो मैंने उसे थोड़ा रेडी सा किया, उसने क्या किया कि वो जो गले में पहनने वाला होता है ना ग्लो बन जैसा पहना था मैंने, उसने वो एक साइड से तोड़ दिया। अभी मैंने सही कर लिया वो, पर उसने तोड़ दिया तो मैंने उसे डांट दिया। तो योशो मुझसे नाराज़ हो गई है और गुस्से में श्री पे मैंने ओढ़ा था कम्बल, उसका कम्बल भी लेके भाग गया। तो योशो अब दिन प्रतिदिन बहुत ही बिगड़ने लग गई है। फ्रेंड्स ये नूनू की हरकतें, बार बार उसको गोदी में ले लेती है, ये अच्छे से पकड़ो, वो भी मजे में रहती है उसकी गोद में वो भी खुश है ना सिरी। नो मुंह नहीं लगाते बेटा, नो ना एकदम से बड़ी हो गई, मतलब समझा उसको, खेल रही है उसके चोच चोच तुझी तो छोटी सी है बॉन्ज जी, कैसे बड़ी सी लग रही है आप बड़ी हो गई नो ना। बुली को संभालने वाले हो गए, हाँ वो बोल रहे हो भी और इसको तो पता ही नहीं चलता मैं एक अपना थंब चूसूं या सारी उंगलियां मुंह में डाली रहती है इसने। देखो नहीं नहीं इसमें, देखो फ्रेंड देखो, दिन भर घूमती रहती है और अभी खाना खाने के लिए देखो कैसे कर रही है। खाना खा जल्दी, खड़े हो जाओ, मैं मारूं अभी खाना खाने के लिए नखरे। खाना खाओ पहले, देखो इसको नींद में, ये देखो ये ओ मत करना मैं पिटाई करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो बज गए हैं 9:30 रात के और आज हमने थोड़ा जल्दी खाना खा लिया और कल योशो की छुट्टी है, तो आई होप कि मैं थोड़ा ज़्यादा सो सकूं, बट वो मेरे लिए पॉसिबल है नहीं क्योंकि सुबह योश्री उठ जाएगी 5 बजे, तो मुझे सोना पड़ेगा। और अभी आप देखो दोनों के दोनों कैसे सो रहे हैं, ये श्री है, अरे योशु मैडम। अभी इन दोनों को मैं इधर को शिफ्ट करूँगी और अभी ना अभी श्री के लिए उसकी मौसी और मौसा जी लेके आए थे पायल, तो अभी योशु ने देख लिए वो, तो योशु ने बोला मामा मुझे पहना दो। ये देखो पायल पहन के सो गई है मैडम, उसकी मौसी लेके आई थी योशु की मौसा मौसी, तो योशु ने बोला मम्मी श्री बाद में पहनेगी, अभी मैं मेरे को पहना दो क्योंकि मेरी 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे और संडे उसका ऑफ है। और मेरी श्री मैडम को देखो जरा दिन भर घूम। बस आज के ब्लॉग को ही समाप्त करती हूँ और होप कि मैं कंटिन्यू करूँ ब्लॉग्स को। आजकल मैं सौरभ जोशी जी के ब्लॉग्स बहुत देख रही हूँ, बहुत सारे ब्लॉग्स देख रही हूँ और मतलब इंस्पायर हो रही हूँ उनसे, कि मैं सोचती हूँ कि ना मैं जो डेली लाइफ में कर रही हूँ बोरिंग लग रहा होगा या पता नहीं लोगों को लोग क्या सोच रहे होंगे कि डेली ये कम करती है, बट मैं उनके व्लॉग्स देख रही हूँ ना, वो भी अपनी डेली लाइफ शेयर करते हैं और सिंपल सी लाइफ है और वही चीज़ें वो दिखा रहे हैं और देखो कितने बड़े यूट्यूबर बन गए। तो मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ अपनी जो डेली लाइफ है वो दिखाने की। तो मिलते हैं एक नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।